ये जुल्म हो गया है हमारे साथ, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जहाँ खा रहे थे ये जगह हमारे बड़े नजदीक है, तो वी कैन एक्चुअली गो आफ्टर द शो, रास्ते में हम ये खाने खा सकते हैं। और जब गरम गरम पूरी आ रही होती है ना इस तरह, अच्छा आई कांट स्पीक, मुंह में पानी आ रहा है इनके, लेकिन मैं शो को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आपको हमने बताया था कल कि हमारे एक चैंपियन मोहम्मद आसिफ हैं, जो तीसरी दफा IBSF आलमी स्नूकर चैंपियन बन गए हैं। हर तरफ से मुबारकबादें समेट रहे हैं और वो यहाँ रुक नहीं रहे हैं। वो दोहा कतर में होने वाले वर्ल्ड मास्टर इवेंट में भी आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं और अब तक के तमाम मैचेस उन्होंने जीत लिए और अब इस टाइटल के नॉकआउट मरहले तक पहुंच गए हैं। सो इस दौरान उन्होंने भारतीय हरीफ को भी हराया है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह, कर दिया था कि मोहम्मद आसिफ, मुबारक हो आपको। मतलब अब क्या आप स्टेज पे आ गए हैं कि आप कह सकते हैं कि जो आपने ख्वाब देखा था, जो सोचा था, वो अचीव कर लिया? खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस टाइटल से नवाजा, इस कामयाबी से नवाजा। और मैं समझता हूँ कि ये रुकने वाला सिलसिला नहीं होता, इंसान की जिंदगी में तो ऐसी फतूहात का सिलसिला जारी रहना चाहिए और वो कोशिश करता रहता है कि मजीद आगे ऐसे ही फतूहात का सिलसिला जारी रहे। क्या मानी रखता है ये IBSF टूर्नामेंट इटसेल्फ? जो लोग नहीं वाकिफ इस खेल और इस टूर्नामेंट से, उनको प्लीज बताइए कि कितनी अहमियत है आपके खेल की दुनिया में इस टूर्नामेंट की, जो आपने टाइटल जीता है। देखिए जी, मैं यहाँ पे वाजे करता चलूं कि एमेचर लेवल पे आज तक सिर्फ दो ही प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 3 दफा ये टाइटल अपने नाम किया है पूरी दुनिया में, और उसमें एक तो इंडिया के पंकज अडवाणी है और सेकंड आज मैं हूँ, जिनका रिकॉर्ड आपने बराबर कर दिया। जी माशाल्लाह। सो आपने ये मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हैट्रिक इन्होंने इस टाइप की जीतने की है। अच्छा आसिफ, ये भी बताइएगा कि आप अपने आप को मतलब ऑप्टिमम लेवल पे किस तरह रखते हैं, बिकॉज माशाल्लाह इतनी आपकी फतवात हो चुकी है, इतने आप जीत चुके हैं और यू आर ऑन योर वे टू विनिंग मोर, तो आप अपने आप को किस तरह करंट और टॉप पे रखते हैं? देखिए जी, अपने आप को टॉप पे रखने के लिए इंसान को प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी एवरीडे जो प्रैक्टिस है वो भी करता रहता हूँ। और साथ में मैं समझता हूँ कि गेम के साथ साथ आपको दुआओं का बड़ा यानी कि जरूरत होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम की दुआएं हमारे साथ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पेरेंट्स की दुआएं हैं, सबकी दुआएं होती हैं, तो वो रंग लेके आती हैं। तो अपने आप को देखें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना ही इस गेम में सबसे बड़ी बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके तो ये टाइटल जीतना एक मुश्किल काम है। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें, अल्लाह मियां आपको और कामयाबियां देता चला जाए इंशाल्लाह। हमारे यहाँ क्या स्नूकर का सिस्टम ऐसा बन गया है कि आप जैसे चैंपियंस आगे भी निकलेंगे, या आप समझते हैं आप एक एक्सेप्शन हैं, जो सिस्टम है, जो फेडरेशन है, क्या वो भी खिलाड़ियों को सपोर्ट फराहम करते हैं? देखिए जी, बात यह है कि मैं अगर इस टूर्नामेंट की बात करूं तो इसमें मेरे ऊपर ट्रस्ट किया मेरी स्नूकर फेडरेशन ने, और जिसमें बिलखसूस आलमगीर शेख साहब का बड़ा किरदार है, जावेद करीम का, और नवीद कपाड़िया हमारे बोर्ड मेंबर हैं, और जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने बड़ा एतमाद किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके एतमाद को आगे बढ़ाया और ये टाइटल अपने नाम किया। तो ये अगर उनकी एफर्ट ना होती तो ये मैं इस टूर्नामेंट में नहीं आ सकता था, नहीं खेल पाता यहाँ पे आके, और ये टूर्नामेंट जो है वो मैं नहीं जीत पाता, तो इसलिए उनकी बड़ी सपोर्ट है। और फिर मेरे डिपार्टमेंट की बड़ी सपोर्ट है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के, नेशनल बैंक ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, मैं हूँ, अज़द है और मोहम्मद सज्जाद है, ये 3 प्लेयर डिपार्टमेंट नेशनल बैंक के डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट की वजह से भी आज हम ये ऐसी पोजिशन पे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि अभी हमारे जो ओलंपियन अरशद नदीम जैवलिन थ्रो में उन्होंने ओलंपिक्स में जीता है, उनके जो हरीफ थे इंडियन नीरज, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, अब आपने भी एक भारतीय हरीफ को हराया है, तो आपकी गेम में भी आप लोगों की भी दोस्तियां साथ साथ चल रही होती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं समझता हूँ कि प्लेयर जो है वो पूरी दुनिया का प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं हमेशा, और वो इन दूसरी चीज़ों में जाते नहीं, इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना होता। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है से, आपस में गपशप होती है, एक दूसरे के बारे में, गेम के बारे में डिस्कशन होती है, और फिर वहाँ क्या चल रहा है, हमारे टूर्स जो हैं उनके बारे में चीजें चल रही होती हैं, तो अच्छी दोस्ती है मेरी पंकज अडवाणी से भी है, कमल से भी, जितने भी इंडियन प्लेयर हैं सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। वेल, वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत मुबारक हो वंस अगेन आपको।